हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे तिल गुड़ की पापड़ी या तिल गुड़ की पट्टी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, बहुत ही हेल्दी भी है और विंटर में इसके बहुत फायदे हैं, बिकॉज हमने इसमें गुड़ यूज़ किया है, ये गर्म होता है, और हमने इसमें तिल यूज़ किया है जिसमें बहुत हाई प्रमाण में कैल्शियम होता है। तो इन ऑल बहुत ही हेल्दी डिश है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 कप के आसपास मैंने गुड़ लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से स्क्रेप कर लिया है। रूम टेम्परेचर का गुड़ है ये। अगर फ्रिज में रखा है तो बाहर रख दें, और फिर उसको आपने इस तरह से स्क्रेप कर लेना है। और अराउंड 1 कप ही हमने यहाँ पर तिल लिया है, तो जितना हम तिल लेंगे उतना ही हमने गुड़ का यूज़ करना है इसमें, वरना वो ठीक से फॉर्म नहीं होगा। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर प्योर घी का यूज़ किया है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से तिल गुड़ की पट्टी। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें हमने तिल को रोस्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रख देंगे, और इसको हमने चलाते हुए भून लेना है। इसको हमने तब तक भून लेना है जब तक इसका हल्का सा अरोमा आने लगे, ये छिटकना बंद हो जाए और ये हल्का सा गोल्डन दिखाई देने लगे। तो यहाँ देखिए, लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने, वरना तिल जो है वो कड़वा सा लगने लगता है। अब हमने गैस को ऑफ कर देना है और इस तिल को हम निकाल लेंगे, और इसमें हमने घी को ऐड कर देना है। 1 टीस्पून घी हमने यूज़ किया है यहाँ पर, और इसमें हम इसमें गुड़ को ऐड कर देना है। तो ये सारा गुड़ मैं ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है हमने, और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हमने बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज पानी ऐड अगर आप कर लेंगे तो इससे आपको उसको ज़्यादा देर तक कुक करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। बस स्लो फ्लेम पर इसको चलाते रहें जब तक गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है और इसमें बबल्स आना स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक हमने इसको चलाते हुए कुक कर लेना है। इसमें कोई भी गोली नहीं बचनी चाहिए गुड़ की। इसको इस तरह से दबाते हुए आपने मेल्ट कर लेना है। जैसे जैसे ये हीट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये धीरे धीरे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, और इसमें अब कोई भी गोली नहीं है गुड़ की, और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको मेल्ट किया है। अगर आप हाई फ्लेम पर मेल्ट करेंगे तो कहीं से वो मेल्ट होगा, कहीं से नहीं, और कहीं से जल जाएगा। अब हमने इसमें ये तिल ऐड कर देना है जो मैंने रोस्ट किया था। ये सारा तिल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स हो चुका है कि मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। गैस को हम ऑफ कर लेंगे, और इमिजिएटली हमने एक ट्रे ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ देखिए, मैं इसके ऊपर घी ऐड कर रही हूँ। मैंने ये यूज़ किया है, आप इसके जगह पर प्लेट या थाली का बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमने फैला लेना है, जेनरस घी। और यहाँ देखिए, ये मिक्सचर जो है ये भी अभी कुछ हद तक ठंडा हो चला है। इसको कंटिन्यूअसली इस तरह से मिक्स करते रहना है आपने। इससे बहुत अच्छा गुड़ जो है वो चिक्की जो है वो तैयार होगी, बहुत फ्लेकी सी। तो उसको मिक्स करते रहेंगे हम, एक के ऊपर इस तरह से फोल्ड करें और इसको मिक्स करते रहें। जैसे ही आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो एक स्टेज पर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगने लगेगा और टाइट लगने लगेगा। ये देखिए, इस तरह से ये जम गया है, ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने ग्रीस किया है इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से डाल देना है। एक बेलन ले लेंगे हम, और बेलन के ऊपर भी अच्छी तरह से हमने घी लगा लेना है ताकि वो चिपके नहीं, और इसको फिर हमने हल्के हाथों से फैला लेना है। देखिए, थोड़ा सा टाइट हो गया है अभी। अगर ये बेलन को चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी आप लगा सकते हैं इसको। थोड़ा सा हाथ जो है वो आपने इस तरह से टाइट रखना है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है। जितना हो सके उतना ही हमने इसको पतला कर लेना है, और इसके ऊपर अब हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद आप इस पर कट्स नहीं लगा सकते। तो इस तरह से इस पर कट्स लगा देंगे। दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे।
देखिए अभी जमना शुरू हो चुका है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसकी पट्टी फॉर्म हुई है और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको कट किया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम कूल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये ऑलरेडी लूज हो चुका है लेकिन थोड़ा सा अभी इसको ठंडा होना है, तो थोड़ा रुक के हम कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची का पाउडर वगैरह ऐड करके इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट कूल हो चुका है और अब हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पट्टी जो है ये फॉर्म हुई है, ये देखिए, और बहुत थिन भी है ये। इसको बस इस तरह से निकालते जाना है हमने, ये देखिए। बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है ये, बहुत फ्लेकी भी बनी है ये देखिए। तो इसको बच्चों को बनाकर जरूर दे और बहुत फायदेमंद है ये बच्चों बड़ों सबके लिए। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स जो चाहे वो ऐड करके इसको फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं और बहुत जबरदस्त बनकर तैयार हुई है ये तिल पापड़ी, ये देखिए। बहुत इजी भी है इसको बनाना, बस इतना दो तीन बातों का आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आप उसमें गुड़ मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से, पानी बिल्कुल नहीं ऐड करें गुड़ में, और मेल्ट होने के बाद तुरंत उसमें आप रोस्ट किया हुआ तिल ऐड कर दें, गैस को ऑफ कर दें और उसको कंटिन्यूस चलाते रहें जब तक वो थोड़ा सा स्टिफ या बॉल स्टेज पर न आ जाए। जैसे हम आटा लगाते हैं तो आटा बेलने के लिए थोड़ा सा हमें सख्त आटा चाहिए, उस तरह से ये थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। और फिर आपने उसको एक चपले बेलन पर या फिर आपने किसी थाली के बैक साइड पर अच्छी तरह से ग्रीस करके उसके ऊपर आपने इसको ऐड डालकर अच्छे से फिर बेल लेना है। जितना आप थिन बेलना चाहें उतना आप बेल लें, अगर बेलन को चिपक रहा है थोड़ा घी लगा लें और बहुत बेहतरीन तिल पापड़ी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, ये देखिए। तो ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।